आपने ये वीडियो देखा कि घर के अंदर या फ्लैट में हो या हाउस में हो या कॉम्प्लेक्स में हो, जहाँ पर पानी का प्रेशर, अगर टंकी का जो पानी का प्रेशर कम जाता है या टाइम कल का रहा, तो उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए प्रेशर पंप का आपको दरकार है बहुत, जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हैं लगभग 10 मिनट के अंदर। तो देख सकते हो कितना मैंने पंप मारा, 4 से 5 बार पंप मारने के बाद जो गंदगी था पाइप के अंदर, कौनसिल के अंदर का पाइप में जो गंदगी जम जाता है, वो लाइन पूरा क्लियर कर देता है। ना तो इसमें एसिड ढालना पड़ता है, ना तो कोई बड़ा मशीन भी लगाना पड़ता है। पंपर इसका लेंथ मैंने फुट, इसका फुट है 2.5 फुट का ये पंपर है, छोटा सा एक, देख सकते हो। तो इस पंपर से आप अपने घर का जो पानी का प्रेशर, से जो आप गर्मी में इतना भूग रहे हैं, नहीं हो रहा है, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, जितना भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मदद से लगभग 400 रुपया खर्चा करने के बाद आपका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ आज मैं, आपका मिस्त्रा प्लम्बर व्लॉग। तो आज का वीडियो ना तो कोई व्लॉग होगा, ना तो कोई ट्रैवल होगा, आज का वीडियो होगा आपका घर के अंदर पानी का जो प्रेशर है कैसे आप बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास 2 पाइप है, यह है पहले का जिससे हम लोग पंपर बना देते हैं, नीला कलर का पाइप है, और यह है UPVC पाइप जो अभी निकला है, सुप्रीम का ये पाइप है, हॉस्टल से ही बना सकते हैं, आशीर्वाद से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ है 1.5 इंची, इसका साइज़ है 1.5 इंची, तो आप 1.5 इंची से ही बनाइएगा, या 1.5 इंची छोड़कर नहीं बनेगा। 100 इंची से आप लोग बनाएगा तो उतना प्रेशर नहीं रहेगा, 1.5 इंची से सबसे अच्छा प्रेशर रहता है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो पहला तो ये जो 3 फुट का पाइप देख सकते हो, इसको काट के आप 2.5 फुट करना पड़ेगा, इसको 3 फुट से लेकर 2.5 फुट तक, 3 फुट मत कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, मानने में आपको बहुत ही असुविधा होगा। 3 फुट तो 2.5 फुट आप इसको और भी 6 इंच मैंने काट दीजिएगा 3 फुट से, तो 2.5 फुट का लगभग हो जाता है। तो 2.5 फुट का आपको इस 2.5 फुट काटने के बाद इसमें जो ये लगा हुआ है देख सकते हो, तो देख रहे हो ये रहा देखो इसका वाशर। तो ये किस चीज़ का वाशर है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि टायर काट के लगा दो, ट्यूब फाट के लगा दो, कोई भी दरकार नहीं है भाई। आपके घर में लगभग एक चप्पल होता है ना, जो प्लास्टिक का चप्पल होता है, प्लास्टिक का, तो उसी को आप लोग कैसे काटिएगा, एक चप्पल को ले लीजिएगा ऐसे करके उल्टा लीजिएगा, और उसमें इसका ऐसे करके चाप लीजिएगा, तो देखिएगा इसका साइज़ की तरह ना चप्पल का साइज़ में बन जाएगा। तो उसको आप लोग चाकू गर्म करने के बाद, मैंने गर्म कीजिएगा या आप काट भी सकते हो, तो गर्म करने से आपको यह फ़ायदा होगा जल्दी कटेगा। तो गर्म करने के बाद गोल करके इसको काट के इसमें आपको लगाना पड़ेगा, ये पंपर देख सकते हैं इधर, ये नट खोल के इसमें लगाना पड़ता है, और इसका साइज़ आपको रखना पड़ेगा, अगर आपका पंपर 2.5 फुट का हुआ तो इसका साइज़ आपको रखना पड़ेगा, साइज़ आपको रखना पड़ेगा 2 फुट 4 इंची। इसका ये रॉड जो देख सकते हो, और ये जो रॉड जहाँ से हम लोग मारते हैं, ये प्रेशर देख सकते हो, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि दुकान में जाके 0.5 इंची हो, 3/4 का आता है, तो जो ग्रीप में सबसे अच्छा आता है उसको बोलते हैं हम लोग 9 इंची, तो 9 इंची का 3/4 GI पाइप से, जो टाटा का 3/4 पाइप है, कोई भी GI पाइप से आप इसको खरीद के, इसमें देख सकते हो झलाई किया हुआ है, देखो इसमें एक झलाई हुआ है। तो इस रॉड को, शॉर्ट पीस को झलाई, मैंने झलाई करने के बाद आपको ये आपका रॉड बन जाएगा, 2 फीट 4 इंच का ये रखिएगा, अगर आपका पंपर 2.5 फुट का हुआ तो, ठीक है, 2.5 फुट का हुआ तो। और इसमें जो वाशर मैंने बोला था, चप्पल काटने के बाद आपको इसमें लगाना है, ये नट भी इधर लगता है, अगर आपका ये ख़राब हो जाता, देखिए ये ना पानी में भिगते भिगते ये जो पैच रहता है ये नष्ट हो जाता, मैंने ख़राब हो जाता है, वो जल्दी जंग पर ख़राब होता है, तो इसमें प्राइमर मार के रख दीजिएगा, ग्रीस भी मारिएगा तो अच्छा रहता है। भाई इस रॉड को आप कैसे लगाइएगा, फिटिंग कैसे कीजिएगा, मैं ये बता चुका हूँ। अब मैं बात करने वाला हूँ ये सॉकेट को, जो आप नीचे की तरफ जहाँ पंपर से आप कल में किसी नल में लगा के फिट कीजिएगा, तो उसको आप कैसे फिट कीजिएगा तो बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हो ये है 1.5 इंची बाय 1/2 इंची, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए अच्छे से देख लेते, तो ये है 1.5 इंची बाय 1/2 इंची, माने 1.5 इंची पाइप आपका जो पंपर का 1.5 इंची पाइप है, मेन पाइप, उसमें कनेक्ट होके 1/2 इंची कनेक्ट हो जाता है, देखो। तो इधर मेरा शॉर्ट पीस भी लगा हुआ है 1/2 इंची का, तो ये शॉर्ट पीस भी आपको लगाना पड़ेगा, ये फॉल्स भी लगा सकते हैं इसको, कोई झलाई फलाई करने का बात नहीं है। और ये रहा 1.5 इंची का जो सॉकेट, देखो तो ये मेरा पहला पाइप था, इसलिए मैंने इसको पैच दे के, मैंने डाई मशीन से पैच दे के घुमा दिया और टाइट कर दिया टेफ्लॉन की मदद से। तो अभी का सिस्टम नया निकला है भाई, मैं बार बार बोला नया निकला है, तो अभी सॉल्वेंट जो ये देखना है 1.5 इंची बाई 1/2 इंची, तो ऐसा ही एक हमने सॉकेट मिलता है 1.5 इंची बाई 1/2 इंच, इसका नाम होता है रूडिएसर, ठीक है ना, रूडिएसर इसका नाम होता है। तो इससे आप यहाँ पर सॉल्वेंट लगाने के बाद इसका 1/2 इंची रहता है, तो उसमें आपको मेटल नहीं मिलेगा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको FTA लगाना पड़ेगा, 1/2 इंची FTA, मैं फिर से बोल रहा हूँ 1/2 इंची, आप इस तरफ भी लगाइएगा नीचे की तरफ 1/2 इंची FTA रेडिएटर जो मिलता है, और ये जो पीछे का तरफ मैंने आगे का तरफ जहाँ से आप मारिएगा, मैंने खाली नॉर्मल जहाँ से फर्स्ट शुरू होता है, तो इधर आप क्या कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, इधर आप एक कैप भी लगा सकते हो, रेडिएटर भी लगा सकते हो। रेडिएटर कैसा, ऐसा मैं फिर से, मेरे पास रेडिएटर अभी है नहीं इसमें, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ,
मैं ये जीआई का ही, मैंने जीआई से ही आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसा ही रहता है, लगभग ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा इसका ऊपर खाली अलगा मने नॉर्मल की तरह मैंने सॉल्वेंट मत दीजिएगा, नहीं तो बाद में खोला नहीं जाएगा, ऐसे खाली मारने के लिए लगा दीजिएगा। मेरे पास अभी जो मैंने दिखाया था कि रूडियो से मेरे पास नहीं है, यूपीपी से जीआई का तो है, देख सकते हो तो ये है जीआई का, तो या राई फूड का है, तो ये आप घर में 10 मिनट के अंदर ही बना सकते हो। अगर आप इसको बाहर से परचेज करने चाहोगे तो आपको ज़्यादा प्राइस इसका माने लग जाएगा। अगर ये 400 में बनता है तो इसका प्राइस लगेगा लगभग 800, 900, 1600, जो जितना मांग लेता है भाई। तो इसका प्राइस लगभग पड़ता है बनाने में, ज़्यादा कॉस्ट मिलता है इसको, 400 रुपये में बन जाता है कम्प्लीट। तो आप जी आई माल से तो नहीं बना सकिएगा, अगर आप अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो। अगर प्लम्बर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो बना लेंगे पैच करके ये नीला पाइप से, तो ये ज़्यादा मजबूत होता है, तो ये भी अच्छा होता है। तो आपको ये सॉल्वेंट से लगाना पड़ेगा रेड्यूसर 1.5 इंच बाई 1/2 इंच, उसके बाद रेड्यूसर लगाने के बाद उसमें एक FTM मेटल FTM 1/2 इंची का लगा देना पड़ेगा, जहाँ 1/2 इंची का साइज़ है, ठीक है ना। शॉर्ट पीस काट के सेम टू सेम काट के लगा देना पड़ेगा, उसमें एक शॉर्ट पीस लगाने के बाद आपका पंपर पूरा रेडी हो जाता है इस तरीके से। देखिए उसका वाशर भी मैंने दिखाया था कि वाशर कैसा, देखिए ये वाशर पूरा टाइट है मेरा, इसमें जाने गया क्या, ये वाशर बड़ा है इसका, ये 1/2 इंची का फाइबर देख सकते हो और वो है 1.5 इंची का, तो मैं इसमें दिखाता हूँ, टाइट वाशर है एकदम, देखो चल गया। तो चप्पल काटने के बाद ही आपको वाशर बना सकते हैं, चप्पल से ही बनाइए, सबसे बेहतर होता है चप्पल से। कोई टूथ काट के आप बनाता है, कोई ऐसे बनाता है, मत बनाइएगा उसमें झमेला में, आप अगर घर में बना रहे होंगे तो आपको बनाना नहीं आएगा ऐसे। मैं जैसे बोलता हूँ चप्पल से काटिए बना सकते हैं। तो बाय गाइस, आज का वीडियो इतना ही रहा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब। तो मिश्रा प्लम्बर पर फिर से मैं बोलता हूँ स्वागत है, फिर अगला वीडियो लेके आऊँगा इससे भी बेहतर।